आज हमने इनका पी शॉट किया है और साथ में 2 ml फिलर डाला है और बोटॉक्स भी डाला है। पेशेंट ने कहीं बाहर से फिलर कराया हुआ था और वो फिलर बेसिकली पेनिस में डलवाया हुआ था, तो इनका उसमें अच्छा खासा खर्चा हो गया। उस खर्चे में ये आराम से फैट ग्राफ्टिंग करा सकते थे, लेकिन हो सकता है इनकी चॉइस भी हो या पता नहीं हो जिस तरह से इन्होंने फिलर कराया। देखिए, फिलर को कभी भी जिस डॉक्टर ने डाला वो उनको शाफ्ट ऑफ पेनिस में डाल दिया, मतलब पेनिस का जो मेन पार्ट होता है उसमें डाल दिया। उसमें फिलर आपको बहुत ज़्यादा अमाउंट चाहिए होगा तब जाके फिलर उसमें काम कर पाएगा और उसके बाद वो डिजोल्व हो जाएगा एक साल में। जब भी फिलर को डाला जाता है उसका 2 purpose होते हैं, पेनिस की ग्लैंड्स को मोटा करना, पेनिस का जो ऊपर की टोपी होती है उसी में फिलर डाला जाता है, और बेसिकली सेंसिटिविटी को कम करना। तो वहाँ पे वो दोनों फंक्शन करता है, और वहाँ पे आप एक बार में 3 या 4 ml से ज़्यादा नहीं डाल सकते, तो ऐसा नहीं है कि वहाँ पे आप अनलिमिटेड डाल सकते हो। इसीलिए फिलर को हम वहाँ यूज़ करते हैं। अगर शाफ्ट ऑफ पेनिस को मोटा करना है तो फैट ग्राफ्टिंग करनी चाहिए, वो लाइफ टाइम टिकती भी है और वो इसके मुकाबले रीजनेबल कम कॉस्टली भी होती है और इफ़ेक्टिव भी होती है। फिलर क्या है, क्योंकि देखिए जो फैट है वो सॉलिडिफाई हो जाता है शाफ्ट ऑफ पेनिस में, मतलब सॉलिड बन जाता है, लेकिन जो फिलर है वो हमेशा जेल रहता है। तो जब आप जेल को पेनिस में डालेंगे तो वो बड़ा सॉफ्ट सा रहेगा, वो एक जगह इकट्ठा हो जाएगा या कहीं से ऊपर हो जाएगा कहीं से नीचे हो जाएगा। इसलिए शाफ्ट ऑफ पेनिस में कभी भी नहीं डालना चाहिए। ग्लैंड्स पेनिस में ये जेल इसलिए डाल देते हैं क्योंकि ग्लैंड्स पेनिस देखते हैं जो पेनिस का आगे का हिस्सा होता है वो हार्ड होता है, तो उसके अंदर जेल जाती है तो उसको मोटा कर देती है, लेकिन ऊपर नीचे नहीं करती। अनलेस एंड अनटिल जो मैंने पहले केस बताया, आप बहुत ज़्यादा सुपरफिशियल डाल दो तब तो वो ऐसे बना देगी जैसे छाले हुए। तो इसको ठीक जगह से आपको कराना चाहिए। जैसे अब हमने इनको फिलर डाल दिया और पेशेंट कंफर्टेबल है। लास्ट इन पेशेंट के साथ भी ये हुआ कि पी शॉट के वक्त स्प्रे यूज़ किया गया और इंजेक्शन यूज़ नहीं किया। कभी भी अगर आप पी शॉट में स्प्रे यूज़ करेंगे तो जब हम अंदर डालते हैं इंजेक्शन पी शॉट का, तो हमें ये नहीं पता होता, ब्लाइंड प्रोसीजर है, कि कॉर्पोरा में गया कि नहीं गया। तो पेशेंट के रिस्पॉन्स से और कुछ हमें रेजिस्टेंस फील होती है। रेजिस्टेंस तब फील होगी जब हम बहुत पतली निडल से डालेंगे, यानी इंसुलिन सिरिंज से। अगर आप मोटी सिरिंज से डालोगे तो आपको कोई रेजिस्टेंस फील नहीं होगी, फिर तो एकदम पेशेंट चीखेगा, तब तक आप डाल चुके होंगे। लेकिन जैसे ही हमें रेजिस्टेंस फील होती है और पेशेंट भी बताता है थोड़ा सा दर्द हो, तो इसका मतलब आप सही जगह पर नहीं हो, तो उसी वक्त रुक जाओ, उसको एडजस्ट करो और तब कॉर्पोरा में डालो। ये सिर्फ तभी पॉसिबल है जब पेनिस को सुन किया जाए। अगर पेनिस को सुन नहीं किया जाए तो पेशेंट को कॉन्टिन्यूस दर्द होता रहता है और आपको कभी पता नहीं लगता कि आप राइट जगह पे हो कि नहीं हो, तो पी शॉट करने का फायदा भी नहीं होगा और पेशेंट को बिना बाद में पेनफुल एक्सपीरियंस भी होगा। थैंक यू।